दोस्तों, आप दुनिया भर के प्रमुख त्योहारों को तो जानते ही होंगे। हमारे भारत देश में तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है। आपने दशहरा, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि के बारे में सुना और देखा ही होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जापान अपनी अनोखी संस्कृति और फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। जापान में हाल ही में पेनिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि ये पेनिस फेस्टिवल क्या है। वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप इस फेस्टिवल के बारे में नहीं जान पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, हम आपको जापान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। यह चार बड़े और लगभग 6000 द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। यह सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि संसार का सबसे महंगा शहर है। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर कुत्तों को पालना गैरकानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज्यादा है। जापान के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीवन जीने वाले लोग हैं। जापान में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इस फैक्ट को सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। जापानी लोग समय के पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकेंड से ज्यादा लेट नहीं होती। जापान में घोड़े के कच्चे मीट को खाने की परंपरा भी है। यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना पसंद करते हैं। जापान में कई हाईवे ऐसे बनाए गए हैं जो बिल्डिंग के बीच में से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस हमारे टॉपिक पेनिस फेस्टिवल पे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हर साल टोक्यो में लिंग उत्सव मनाया जाता है, जहाँ इसे कानामारा मसूरी नामक फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ लिंग की पूजा की जाती है, जो कि बेहद रोचक बात है। जापान में ही 15 मार्च को कोमांकी में प्रजनन क्षमता की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए लिंग की पूजा का प्रावधान है। वहीं जापान के तावरयामा में लिंग के मंदिर के रूप में मारा कन्नोन फर्टिलिटी साइन का निर्माण किया गया है। यह एक शासक के बेटे की आत्मा को खुश करने के लिए बनाया गया था। माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले कपल्स के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है। जापान में हाल ही में पेनिस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यहाँ हर साल अप्रैल के पहले रविवार को यह उत्सव मनाया जाता है। लिंग पूजा को समृद्धि, उर्वरता, प्रजनन और परिवार की वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।